इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, हर केस में बेटा क्या हो रहा है कि फोर्स जो लग रहा है डिफॉर्मेशन के उल्टा लगता है, तो डिफॉर्मेशन का उल्टा मतलब क्या, नेगेटिव सर, समझ में बिल्कुल भी नहीं है क्या? सर कुछ भी समझ में नहीं आया सर, अगर ये समझ में आ गया तो अपन बात चालू करते हैं, अपन बात चालू करते हैं। हाँ सर करो। आपने हेडिंग तो लगा ही दिया होगा, किस चीज का, स्प्रिंग फोर्स का, एंड आप लिखना चालू कर दीजिए आपके सामने में जो आपको उतारना है। ये आपका नेचुरल लेंथ है बेटा, दिस इज योर नेचुरल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिनल लेंथ भी बोल सकते हैं अपन, ओरिजिनल लेंथ, दिस पॉइंट इज करस्पोंडिंग टू ओरिजिनल लेंथ। यहाँ पे अभी एफ नेट जीरो है, ठीक, मैंने इसको फोर्स लगाया इलोंगेट करने के लिए, इलोंगेशन किया इधर, इधर क्या किया इसको इलोंगेट किया, इलोंगेशन, और इधर क्या किया कंप्रेशन किया। फटाफट लिखिए, जल्दी से लिखिए, इधर दौड़ के है ना, और अपना स्प्रिंग कैसा है, मासलेस स्प्रिंग है, स्प्रिंग इज मासलेस, स्प्रिंग इज मासलेस, बाद में लिखवा भी दूंगा, टेंशन नहीं है, पहले लिख लो इसको, जल्दी लिखिए बच्चों लोग, बाबू लोग, आई थिंक सब बच्चे को समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहे हैं सर ने, आपके सर आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। सर वो जल्दी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना? हाँ, दिस के इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है ना, अब इसको हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट से ही जानेंगे इसको, है तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बट इट इज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। मैं एक दो साल पहले उस कॉन्स्टेंट के बारे में भी लगभग आधा घंटा पौने घंटा पढ़ाता था, अब मैं पढ़ाना छोड़ दिया क्योंकि ये टाइम पास है, वो कोई मतलब नहीं उस चीज का है ना, सिर्फ समझना है कि ये कॉन्स्टेंट होता है, दैट डिपेंड ऑन द स्प्रिंग, मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग है ना, डायमेंशन ऑफ द स्प्रिंग पे डिपेंड करती है वो, अभी हम बात करेंगे उस मैटर पर भी थोड़ा सा। बाबू लोग आपको समझ में आती है क्या कि स्प्रिंग फोर्स कैसे लगता है, बोलो बोलो यार सर, समझा जल्दी कीजिए सर, वो ब्लू में जो भी लिखा है वो रीड कर दो ना, इधर नेट खराब है, नहीं दिख रहा है क्या, सर रेड भी नहीं दिख रहा सर, सर इनफैक्ट ब्लू अच्छा दिख रहा था, सर व्हाइट ही कर दो फिर, अरे यार अब ठीक है। हाँ सर, तुम लोगों की भी एक से एक दीवान होती है भाई साहब, सर ये हिप हॉप गाना में डांस करो अच्छा लगता है, अजीब से तुम लोग पर आए है ना, ये ऑनलाइन क्लास यार क्या बताएं सर, वो एफ के नीचे क्या लिखा है, कहाँ लिखा, ये एसपी 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 मतलब स्प्रिंग है ना, और क्या लिखा, इट इज वेरिएबल फोर्स, क्यों, बिकॉज इट इज डिपेंडिंग ऑन एक्स, जितना ज्यादा एक्स उतना ज्यादा फोर्स, जितना ज्यादा डिफॉर्मेशन उतना ज्यादा फोर्स, इसलिए फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स इज डिफॉर्मेशन ना, डिफॉर्मेशन लिख लीजिए सर, फास्ट कीजिए बच्चे लोग, आइए फास्ट करें, अपने को अभी कुछ दो तीन टॉपिक और जो लंबा टाइम लगेगा है ना, इसके बाद हम लोग फ्रिक्शन पढ़ेंगे, फ्रिक्शन के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे,
कंस्टेंट मोशन पढ़ेंगे, फुल्ली ब्लॉक एंड सिस्टम का बहुत सारा कॉम्बिनेशन। तो जल्दी कीजिए, वो पढ़ने के बाद लगेगा कि हाँ हम लोग फिजिक्स के अंदर घुस चुके हैं। चलो क्या लिखा है वो वाइट में, FSP is equal to minus K X के नीचे। अच्छा आप लोगों का नेट खराब है क्या यार? सही सर, नेट सही है लेकिन वो बस जूम करो ना, जूम करने का ऑप्शन नहीं होता क्या सर? नहीं है सर, स्क्रीन शेयर करोगे तभी होता है। हाँ सर, स्क्रीन शेयर करोगे तब होता है। चलो चलो चलो, सबका लिख के हो गया क्या? एक मिनट सर। मैं हो गया होगा ना यार, जल्दी कीजिए। चलिए हो गया, हाँ चलिए। अब लिखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर स्प्रिंग फोर्स। मैं मिटा रहा हूं ना, पूरा मिटा रहा हूं, लिखो इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर स्प्रिंग फोर्स। नंबर वन लिखो, एफएसपी का मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन। नंबर टू, एफ स्प्रिंग ऑलवेज अपोजेज टू डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड। नंबर थ्री, FSP is equal to minus of KX। तुम चाहते हो लगा दो वेक्टर यहाँ पे, कोई दिक्कत कोई बड़ी वाली बात नहीं है। K is स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है। क्या होता है बेटा? के हाँ, ये के है ना, दैट के इज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग, दैट इज डिपेंड ऑन द स्प्रिंग की, हर एक स्प्रिंग की अलग अलग के होगी। ओके, गिवन रहेगा क्या? हाँ के गिवन रहेगा। जल्दी फास्ट कीजिए। हाँ हो गया, हो गया। एक मिनट सर, लास्ट पॉइंट। एक सेकंड लास्ट पॉइंट। हाँ जल्दी लिखो, फास्ट लिखो, तुम लोग सुस्त हो गया है, घर में बैठ बैठ के सुस्त हो गया है सब। घर में बैठ बैठ के सुस्त हो गया सर। एक्सरसाइज होते है क्या न्यूक्लियस वाले में? होती है ना। चलो देखो, K इज इक्वल टू ए वाई डिवाइड बाय एल। देखो K इज इक्वल टू ए वाई डिवाइड बाय एल, ये कहां से आता है? बिल्कुल भी दिमाग लगाना नहीं है, इसे समझना है कि होता क्या है। आओ वही, K स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, A is area of क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्प्रिंग वायर। ठीक है, जिस वायर से या जिस मटेरियल से स्प्रिंग बना हुआ है उस स्प्रिंग का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। बात समझ में आती है क्या? ये Y है, दिस Y इज यंग मॉडुलस
यंग मॉड्यूलस जिसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ रहे होंगे ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड एल इज लेंथ. रिजल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट. स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के इज इक्वल टू ए वाई डिवाइड बाई एल. अगर आपको अच्छे क्वेश्चन को सोल्व करना है तो ये ऐसा रिजल्ट याद होना चाहिए. मैं बताया ना फिजिक्स में बहुत सारी चीज याद करने की जरूरत नहीं होती है, कुछ एक छोटी छोटी रिजल्ट, कुछ एक छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बात जो अपने को याद होने की जरूरत है, जैसे के इज इक्वल टू ए वाई बाई एल. ठीक है, ये सब तो एक्सपेरिमेंटल कुछ इन्फॉर्मेशन है. सो ए इज योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल यूज. आपने देखा होगा यार कि स्प्रिंग जैसे पेन वाला जो स्प्रिंग है ना उसका जो वायर है बहुत पतला होता है. आपने देखा होगा कि जो आपके किसी चेयर में या फिर किसी बाइक का जो सॉकेट होता है ना, सॉकेट है ना, तो उसका जो स्प्रिंग का थिकनेस कुछ अलग होता है. वो भी ट्रेन का डब्बा देखा होगा, ट्रेन का डब्बा जो देखा है आपने, ट्रेन का डब्बा के नीचे में जो स्प्रिंग कुछ इस टाइप का होता है, देखा है क्या, ऐसा बहुत मोटा होता है, देखा? हाँ सर. देखा तो होगा ना यार. हाँ सर देखा. तो हर एक मटेरियल की हर एक स्प्रिंग की जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग होता है. वो स्प्रिंग कैसे मटेरियल से बना है इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, वाई. वाई इज कॉल्ड यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसके बारे में हम लोग बाद में फिजिक्स में ही पढ़ेंगे. ठीक. और एल इज द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. क्या मेरी बात क्लियर है बच्चे लोग? चलिए और इंपोर्टेंट बात करते आ जाओ. इसी पॉइंट नंबर 3 में एफ इज इक्वल टू क्या था, माइनस ऑफ के एक्स है ना. अगर ध्यान से देखोगे तो के कितना है, बोलो, के इज इक्वल टू एफ बाई एक्स. बोलो यार, वैल्यू में, मैग्नीट्यूड में. अरे बोल दो यार. यूनिट क्या होगा बोलो, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट का यूनिट क्या होगा बोलो, यूनिट बोलो. अरे बोलो यार, न्यूटन बाई लेंथ. क्या होगा, न्यूटन पर मीटर. न्यूटन पर मीटर लिखो, न्यूटन पर मीटर. के का यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर. सर समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है ये क्या बोल रहे हैं सर. आता है सर. मैं बोलो क्लियर है जी सर. चलिए नेक्स्ट लिखिए पॉइंट नंबर 4. सर एक मिनट, जल्दी लिखो, फास्ट लिखो. लिखिए फास्ट लिखिए. देखिए द रीस्टोरिंग फोर्स, द रीस्टोरिंग फोर्स, द रीस्टोरिंग फोर्स इज द टेंशन डेवलप इन स्प्रिंग. Is the restoring force is the tension developed in spring. Restoring force is the tension developed in spring to restore its original condition or size. Sir, कौन सा force? Restoring force. Restoring original shape or size. ये condition लिख दे. Restoring force में लिखूं क्या? Restoring force is the tension in the spring that tries to restore the original size or क्या condition of the spring. बोलो बात क्लियर है? अरे बोल दो यार. पॉइंट नंबर फाइव लिखो. इट एक्ट सच दैट, इट एक्ट, जिसे टेंशन लगता था, टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी, ऐसे ही इट एक्ट सच दैट इट ट्राइज टू रिस्टोर द ओरिजिनल कंडीशन ऑफ स्प्रिंग. प्रॉब्लम लिखिए, ओरिजिनल कंडीशन ऑफ स्प्रिंग.
इट ट्राइज टू रीस्टोर द ओरिजिनल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं, ओरिजिनल कंडीशन ऑफ स्प्रिंग। सर समझ में बिल्कुल भी नहीं आया सर, बाबू लोग आया सर, बाबू लोग बोलिए, सबका लेक्चर हो गया क्या? आर्यन वन, हाँ सर हो गया। चलो चलिए, अब जो है मैं स्प्रिंग फोर्स थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ, जाओ अच्छे से, हालांकि तुम तो बोर्ड में पढ़ ही रहे हो वैसे फिर भी आओ। स्प्रिंग फोर्स ना, क्या लिखेंगे, व्हेनेवर अ स्प्रिंग इज डिफॉर्म्ड, व्हेनेवर अ स्प्रिंग इज डिफॉर्म्ड, डिफॉर्म्ड आइदर बाय इलोंगेटिंग और कंप्रेसिंग, a restoring force develop, a restoring force develop in the string, in the sorry spring, in the spring that tries to, that tries to restore the original size or condition, original size or condition of the spring, of the spring that force is called, that force is called spring force. That force is called spring force. It's called spring force. चलिए, I hope सब बच्चों को अब और क्लियर हो गया होगा। बाबू लोग मेरी बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। सब बच्चे का लिखे हो गया बेटा, सबका लिखे हो गया? नहीं सर। जल्दी लिखो यार। हाँ हो गया। एक मिनट सर, जल्दी लिखो, एक मिनट, एक मिनट क्या, जल्दी फटाफट लिख। जल्दी लिखिए। हाँ सर, लास्ट लाइन। बोलो समझ में आती है बात? हाँ। सबका हो गया बेटा, सबका हो गया? हाँ 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 सर। चलिए अब आओ, आओ चलिए। आ जाओ, सो बाबू लोग आ जाओ, सो एस स्प्रिंग इज इक्वल क्या होगा बोलो, माइनस ऑफ के एक्स बोलो, यस। हाँ, ये नेगेटिव का मतलब क्या बोलो यार, बोलो एस स्पेस क्या मतलब हुआ, एफ स्पेस अपोजिट टू, अपोजिट टू द बोलो क्या, डिफॉर्मेशन। हाँ, अरे हाँ ना यार, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, ये ना मतलब है। हाँ यस, हाँ। एंड इस लॉ को क्या बोलते हैं, हुक्स लॉ, क्या बोलते हैं बेटा, हुक्स लॉ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हुक्स लॉ। और अगर इस स्प्रिंग फोर्स और इलोंगेशन वर्टेस अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा होगा, इस तरह से, बिकॉज नेगेटिव स्लोप है, इस तरह से होगा। मेरी बात समझ में आती है क्या?
जल्दी से बनाइए, फास्ट फास्ट कीजिए। सर कौन सा हो गया है? लॉ क्या लिखा है सर? वोक्स लॉ, वोक्स लॉ। सर स्पेलिंग पढ़ दो ना। तो दिख नहीं रहा क्या स्पेलिंग? सर यार नेट का मैं सर बात। वोक्स लॉ, H O O K E S, S O O K E apostrophe S, वोक्स लॉ। ठीक है, हेलो। हाँ सर ठीक है, चलिए आइए अब अपन बात करते हैं। क्या हो गया? एक बार दिखाइए ना पिछले का स्लाइड। ओके सर, चलो नेक्स्ट लिखेंगे। मेन पोजीशन ऑफ, देखो मेन पोजीशन ऑफ स्प्रिंग, मेन पोजीशन ऑफ स्प्रिंग। मेन पोजीशन ऑफ स्प्रिंग, मेन पोजीशन ऑफ स्प्रिंग। ठीक है चलिए लिखिए। हाँ सर ठीक है। हाँ लिखो, इट इज दैट पोजीशन फॉर स्प्रिंग वेयर एफ नेट इज इक्वल टू जीरो और इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या लिखेंगे? इट इज दैट पोजीशन फॉर स्प्रिंग वेयर एफ नेट इज इक्वल टू जीरो और इट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। आइए आइए समझ, जल्दी से लिखिए, आइए समझते हैं। बाबू लोग आ जाओ, समझते हैं, आ जाओ, ध्यान सुनेंगे, ध्यान सुनेंगे। सबसे पहला डायग्राम, आइए पहला डायग्राम को ध्यान से देखिए। अगर स्प्रिंग को मैंने इस तरह से हैंग कर दिया किसी सपोर्ट से, सो स्प्रिंग अपने आप चुपचाप ऐसे अपने ओरिजिनल लेंथ में रुका हुआ है एंड दिस इज योर नेचुरल लेंथ। बाबू लोग मेरी बात समझ में आती है क्या? स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज के ओरिजिनल लेंथ इज एल, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, चुपचाप ये अपने ऐसे कंडीशन में पड़ा हुआ है। ठीक, तो अभी इसमें डिफॉर्मेशन की बात ही नहीं है, तो इसमें कोई बात करने की जरूरत भी नहीं है, जस्ट ये इसका ओरिजिनल स्टेट था। ठीक, जैसे ही मैंने इस पे एक ब्लॉक ऑफ मास m मैंने अटैच किया, क्या किया? ब्लॉक ऑफ मास m मैंने इसके साथ अटैच किया, तो क्या आपको नहीं लगता कि उसमें एक नीचे mg फोर्स लगेगा? बोलो बच्चे लोग। हाँ लगेगा। अगर mg फोर्स नीचे लगेगा तो क्या स्प्रिंग में एक इलोंगेशन डेवलप होगा? यस। हाँ इलोंगेशन जो डेवलप होगा वो उस तरह से होगा कि FSP इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx होगा। और माइनस क्या बताता है बेटा? माइनस से और से ये बताता है कि इट इज अपोजिट टू दैट अपोजिट टू द डिफॉर्मेशन। सो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड ओनली, तो क्या लिखेंगे? FS इज इक्वल टू, बोलो, FSP इज इक्वल टू kx। अरे बोल दो यार। हां सर। हेलो हेलो हेलो, समझ में आती है क्या? हां यस सर। तो नीचे लगेगा तो क्या होगा? जैसे ही मास को छोड़ देंगे, रिलीज करेंगे, तो ये मास जहां तक हो सकता है पॉसिबल, जहां तक ये डिफॉर्म करने की इसकी हैसियत है, उतना नीचे जाएगा। बराबर है? बराबर। तो लेट से द डिफॉर्मेशन इज, लेट से द डिफॉर्मेशन इज डेल्टा एक्स या फिर एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स, व्हिच इज द डिफॉर्मेशन कॉज्ड। तो स्प्रिंग का क्या हो गया बताओ? ये ओरिजिनल लेंथ एल था। व्हाट इज दिस? दिस इज योर लेंथ एल, लेकिन अब एल नहीं, अब कितना हो गया? एल प्लस एक्स हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा। हां सर, मेरी बात क्लियर है? तो नीचे में लगा mg फोर्स लग रहा है, ऊपर में क्या लग रहा है? बोलो kx। क्या लग रहा है? बोलो kx। फोर्स इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, जो एक दूसरे को बैलेंस करेगा। जैसे ही दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएगा, उसके बाद फर्दर डिफॉर्मेशन स्टॉप हो जाएगा। तो इस कंडीशन में एफिनिटी कितना होगा? बोलो जीरो। इस कंडीशन में क्या होगा? बोलो एफिनिटी क्या होगा? बोलो जीरो हो जाएगा। जितना फोर्स नीचे उतना फोर्स ऊपर। जैसे ही तुम mg को हटाओगे, ब्लॉक को रिमूव करोगे, स्प्रिंग फिर ऊपर अपने आप हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आती है क्या? हाँ सर समझा। हाँ, सो एट दिस कंडीशन एफिनिटी इज जीरो, मतलब mg इज इक्वल टू kx, सो आई शुड राइट mg इज इक्वल टू kx।
K is your spinning constant, X is your elongation, M is mass of the block, G is acceleration due to gravity. So this is basically deforming force Mg. It is equal to Kx. When you simplify it, then what you will get? X is equal to kya milega bataiye? Mg divided by K. So Mg divided by K, Mg divided by K, Mg divided by K, X is equal to, that X is your deformation. And this is the condition where spring is at its, बोलो कौन से condition में है? बोलो equilibrium condition पे है. कौन से condition पे है? Equilibrium condition पे है. Mean position पे है. Natural length अलग होता है, mean position अलग होता है. Mean position अलग है, natural length अलग है. हाँ, yes sir. Mean position अलग है, natural length अलग है. Mean मैं बार-बार repeat कर रहा हूँ. हाँ sir. पकड़ो. मैं बोल दिया आपको. कि मेन पोजीशन अलग बात होती है, नेचुरल लेंथ अलग बात होती है. जरूरी नहीं कि नेचुरल लेंथ पे मेन पोजीशन हो, ऐसा जरूरी नहीं है. जैसे अभी नेचुरल लेंथ पे मेन पोजीशन नहीं है सर. अभी मेन पोजीशन कहाँ है? नेचुरल लेंथ से x नीचे. क्या मेरी बात क्लियर हो रही है बच्चे लोग, बाबू लोग? हाँ यस सर. चलिए फटाफट लिखिए. नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री का लिखो. नंबर टू, नंबर थ्री, फटाफट लिखो. डायग्राम क्लियर दिख रहा है ना? यस सर. चलिए मैं थोड़ा सा ऐसा कर देता हूं. चलो देखो, जल्दी से फास्ट नोट डाउन कीजिए. Do it fast. जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए बाबू लोग. डेल एक्स ये एलोंगेशन है ना? हाँ, डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स इज द एलोंगेशन. हाँ हो गया, सबका हो गया बेटा, सबका हो गया. नहीं सर, दो है ना सर, हो गया. सो मीन पोजीशन इज, इट इज दैट पोजीशन वेयर द नेट फोर्स इन द सिस्टम इज जीरो, ऐसा बोल सकते हैं. दैट इज बेसिकली इक्विलिब्रियम पोजीशन, ऐसा बोल सकते हैं. ठीक है, तो आइए मैं मिटाऊ उसको. हाँ एक सेकंड. चलिए आइए, सो बेसिकली आइए समझते हैं. अगर स्प्रिंग इस तरह से रखा रहे, दिख रहा है आपको डायग्राम, दिख रहा है? अगर स्प्रिंग ऐसा रखा रहे, इफ स्प्रिंग इज प्लेस लाइक दिस, है ना, ये आपका ऐसे है, ये आपको ओरिजिनल लेंथ एल है. ठीक है, तो अभी आपका ये नेचुरल लेंथ पे रखा हुआ है, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजिशन है, ये इसका मेन पोजिशन है, मेन पोजिशन. ठीक है, क्योंकि अभी इससे कोई डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं लगता, लेकिन इसी को अगर हम अपन ऐसे करेंगे, ठीक है, छोड़ देंगे ये, इसका अगर मान लेते हैं ओरिजिनल लेंथ एल है, तो दिस इज नॉट, ये मेन पोजीशन नहीं है, इट इज नॉट द मेन पोजीशन. मेन पोजीशन कहाँ होगी? कुछ नीचे आएगी, नीचे आएगा. हाँ ठीक है, समझ में आती है बात नहीं होती है, ये आपका मेन पोजीशन है. ठीक है, तो लिखेंगे एनओटी नोट, ये आपका एलोंगेशन हो गया, लिख लीजिए एनओटी नोट. लिखेंगे मेन पोजीशन, लिखो मेन पोजीशन रिफर्स टू इक्विलिब्रियम कंडीशन. मेन पोजीशन रिफर्स, मेन पोजीशन रिफर्स टू, रिफर्स टू इक्विलिब्रियम
पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट विल बी एट नेचुरल लेंथ, सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट विल बी एट इट नेचुरल लेंथ। माय डियर स्टूडेंट्स सबको क्लियर है बाबू लोग? अरे बोलो यार क्लियर है कि नहीं है बोल। नेसेसरी के बाद इट इज नॉट नेसेसरी दैट नेचुरल लेंथ ये मीन पोजीशन वुड बी एट नेचुरल लेंथ। It is not necessary that mean position would be at natural length. ऐसा जरूरी नहीं है कि mean position natural length पे होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। Natural length लिख लो वापस से नोट बना के, NOTE नोट लिखो, NOTE नोट लिखो वापस से लिखो, NOTE नोट लिखिए, लिखिए। Natural length अलग बात है, mean position अलग बात है, लिखो ऐसे। सब बच्चे लिखेंगे, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन का प्रिपरेशन करते वक्त हर एक छोटी छोटी बात का ध्यान रखना है यार। क्वेश्चन वाले आपको कैसे फंसाएंगे, क्वेश्चन कभी भी डिफिकल्ट नहीं आता, आईआईटी जेईई में क्वेश्चन कभी भी डिफिकल्ट नहीं आता, हमेशा कंसेप्चुअल सवाल आते हैं, तो कंसेप्ट छोटी छोटी बातों पर डिपेंड करती है। आपने लिख लिया होगा कि नेचुरल लेंथ अलग बात है और मीन पोजिशन अलग बात है, ठीक है, दोनों अलग अलग बातें हैं। चलिए सवाल करते हैं, पहला सवालों का सिलसिला जारी स्टार्ट करते हैं, आ जाइए बच्चे लोग। सो वी हैव अ स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल कितना बेटा 200 न्यूटन पर मीटर है, एंड अ ब्लॉक ऑफ मास 3 केजी इज अटैच्ड विद दिस स्प्रिंग एंड इट इज रिलीज्ड, एंड इट इज रिलीज्ड, फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन इफ इट इज इट्स नेचुरल लेंथ। ये आपका इसका नेचुरल लेंथ है, बनाइए जल्दी से, फटाफट बनाइए। कभी इंसान है ना, कभी इंसान मेरे बनाया दर्द अपना ले। समर्थ समझ में आ रहा है बेटा? समर्थ जैन, समर्थ सर, इसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन में एल प्लस एक्स रखेंगे या सिर्फ एक्स होगा? तो दिमाग लगा आपको, सोच जरा क्या होगा, सोचो। समर्थ, समर्थ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। हाँ सोचिए क्या होगा, बच्चे ने पूछा सर इसमें इसमें क्या रखेंगे, बताओ इसमें अभी एफनेट जीरो है या नहीं है, बोलो यहाँ पे। नहीं है सर, नहीं है, ये नेचुरल लेंथ दिया था कि स्प्रिंग की ओरिजिनल कंडीशन थी, तो ये स्प्रिंग कहाँ जाकर रुकेगी, कहीं यहाँ पे रुकेगी, बोलो यार स्प्रिंग यहाँ जाकर रुकेगी ना यार। हाँ यस, तो यहाँ पे एफनेट जीरो होना है ना, सो दिस इज योर एक्स इलोंगेशन एक्स है ना, सो व्हाट इज योर इक्विलिब्रियम पोजीशन, एक्स बिलो इट्स नेचुरल लेंथ, कहाँ है बोलो, एक्स बिलो इट्स नेचुरल लेंथ, निकाल लीजिए, नीचे क्या लगा एम जी, क्या लगा mg, mg मतलब कितना 30, हां सर, ऊपर क्या लगा kx, k क्या लगा kx, सो क्या लिखोगे बोलो, mg मतलब 30 इज इक्वल टू kx, k कितना दिया हुआ 200 x है ना, सो x इज इक्वल टू कितना बोलो 300 डिवाइड बाय 200 30 इतना मीटर, समझ में नहीं आया सर ये क्या हो गया सर, समझा लेकिन सर एक डाउट है। हाँ बोलिए सर, मतलब जब हम फाइनल अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पूछेगा हो तो हम लोग को वो जो नेचुरल लेंथ प्लस एक्स देना रहेगा कि सिर्फ एक्स देंगे? नहीं एक्स दोगे ना, एक्स इज देखो नेचुरल लेंथ तो अपना दिया हुआ है, हाँ तुमसे पूछ सकता है कि वो हिंज सपोर्ट से कितना कौन सा पोजीशन पे, तो वहां एल प्लस एक्स बोलोगे, अदरवाइज आप एक्स बोलते हैं ना, एक्स इज बेसिकली ये क्या, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये यही रिप्रेजेंट करता है ना कि एलोंगेशन के बाद अपना क्या हुआ बोलो, इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना, तो नेचुरल लेंथ से एक्स डिस्टेंस पे आपका क्या है इक्विलिब्रियम पोजीशन है, क्या मेरी बात क्लियर है? डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहे हैं वो लोग है ना। चलिए आगे बढ़े बेटा, सबका हो गया बेटा, सबका हो गया, ऑल डन। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है,
के दिया हुआ स्प्रिंग का है ना, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज गिवेन, दैट इज के इज इक्वल टू 600 न्यूटन पर मीटर, मास ऑफ ब्लॉक 3 केजी इज अटैच्ड टू स्प्रिंग। बोल रहा है कि फाइंड द स्प्रिंग फोर्स इफ द एक्सटेंशन इज 2 मीटर, इफ द एक्सटेंशन इज 2 मीटर। बनाइए, बहुत सिंपल सवाल है, बहुत आसान सवाल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। बनाइए बाबू लोग, जल्दी बनाइए। स्टूडेंट जल्दी बनाइए, पास कीजिए। सही है ना, आ जाओ। क्या किया बताओ, इसको इलोंगेट करके कहां पे लेके आया बोलो, है ना। तो आपका जो है यहाँ पे क्या होगा बोलो, एफ एस पी डेवलप होगा, एंड दिस एफ एस पी इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, माइनस ऑफ के एक्स ना बोलो। तो के इज 600, एक्स इज 2 मीटर, तो माइनस 1200, माइनस का मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन बताता है, रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, दैट्स इट। क्या बच्चों मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही, बोलो। हाँ यस सर। कोई बच्चे को तकलीफ लग रहा है बताओ, डिफिकल्ट लग रहा है बताओ? नहीं सर। नो सर। यस, एनी स्टूडेंट हु इज फेसिंग डिफिकल्टीज? नहीं सर अभी तक। चलिए आगे बढ़े बेटा। हाँ यस। अच्छा एक बात और, अगर स्प्रिंग एहेड स्टेप रखा हुआ है ना, इसका मतलब ये इसकी कौन सी कंडीशन है बोलो, नेचुरल लेंथ। अरे बोल दो यार, समझा नहीं आपका क्वेश्चन। स्प्रिंग अगर ऐसे चुपचाप रखा हुआ है, इसका मतलब इट्स नेचुरल लेंथ, इक्विलिब्रियम है ना। तो अगर हाँ लिख लीजिए, इफ स्प्रिंग इज है ना, लिखो, इफ सिस्टम इज प्लेस लाइक दिस, इफ सिस्टम इज है ना प्लेस लाइक दिस, इट इंप्लाइज दैट इट इज इट इक्विलिब्रियम पोजिशन। कुछ दिया नहीं है ना, कुछ दिया होता तो क्या मतलब वो इलोंगेटेड फॉर्म देता, कितना इलोंगेशन है, चुपचाप रखा हुआ इसका मतलब वही खुद उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, वही इसकी नेचुरल लेंथ है। थोड़ा बोर्ड आधा बाहर जा रहा है सर, ज़ूम आउट कर दो थोड़ा। हाँ सर बस। चलिए जल्दी लिखिए, फास्ट लिखिए। इसका मतलब क्या हो? क्या बेटा मतलब? कुछ नहीं, अभी आपको जरूरत नहीं पड़ा, फ्यूचर में जरूरत पड़ेगा इसका। ये मतलब क्या हुआ, हर बात का मतलब थोड़ी होता है। क्या लिखा बोलो, इफ सिस्टम इज प्लेस्ड लाइक दिस इट इंप्लाइज दैट इट इज इन इट इज इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब यहाँ पे हमको पहले से x लेने की जरूरत कुछ भी नहीं है, यही इसका ओरिजिनल है, आपका जो x जो चाहिए डिफॉर्मेशन वही x है। हो सकता है ना कि ओरिजिनल लेंथ से पहले से कुछ करके रखा हो, ऐसा नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। अरे हाँ ना यार, हाँ हो सकता है। हाँ इनिशियल क्वेश्चन।